थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। देखो थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के अंदर आपको ये बताया हुआ है कि कोई भी चीज़ एक्सपैंड होती है अगर आप उसका टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं। तो एक्सपेंशन कैसे होती है? एक्सपेंशन होती है तीन तरीके से, जिसमें कि एक्सपेंशन के अंदर लेंथ वाइज भी होती है, एरिया वाइज भी होती है और वॉल्यूम वाइज भी होती है, ये बताया जाता है। लेकिन क्योंकि हम टेम्परेचर को डिस्कस कर रहे हैं तो हमें टेम्परेचर मेजर करना आना चाहिए। टेम्परेचर मेजर करने का तरीका या ब्रांच ऑफ फिजिक्स जो टेम्परेचर को मेजर करती है उसको थर्मोमेट्री बोलते हैं। मेंस में और नीट में, स्पेशली मेंस में, थर्मोमेट्री के थर्मोमीटर के ऊपर लगातार 3-4 क्वेश्चन आए हुए हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है मैं कहूंगा, जबकि इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं था लेकिन उन्होंने बनाए हुए हैं, तो इसको डिस्कस करते हैं एक बार। तो सबसे पहले इसमें ये पता होना चाहिए हीट में कि कैलोरी को कैसे जूल में कन्वर्ट किया जा सकता है बाय मल्टीप्लाइंग इट विद 4.2, और जूल को कैसे कैलोरी में कन्वर्ट किया जा सकता है बाय डिवाइडिंग बाय 4.2, याद होना चाहिए। थर्मोमीटर में कुछ स्केल्स हैं, सेल्सियस का स्केल है, फ़ारेनहाइट है, रियोमर स्केल है और केल्विन स्केल है। आपने इस डायग्राम को ध्यान से देखना है, इसके अंदर ये स्टीम पॉइंट है और आइस पॉइंट, दो पॉइंट्स हैं इसके। जो नॉर्मल सेल्सियस है उसमें स्टीम का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है और आइस का 0 डिग्री सेल्सियस है, और लोएस्ट टेम्परेचर जो एग्जिस्ट कर सकता है डिग्री सेल्सियस में -273 होता है। केल्विन के अंदर फ़ारेनहाइट में 212 और 32 है, इनका डिफरेंस 180 है, 180 होता है वैसे बता दूं, और लोएस्ट टेम्परेचर -459.5 होता है। नेक्स्ट है केल्विन स्केल 373 273, और लोएस्ट टेम्परेचर कितना है? 0 केल्विन होता है। तो ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? तो ये फॉर्मूला नोट करना है आपने अपने रजिस्टर में, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि टेम्परेचर ऑन वन स्केल से टेम्परेचर अदर स्केल पे कैसे कन्वर्ट किया जाता है। तो एक स्केल का टेम्परेचर है और दूसरे स्केल का टेम्परेचर है, इसमें से क्या माइनस करना है? लोअर फिक्स पॉइंट, और इसमें से अपर और लोअर फिक्स पॉइंट। ऐसे यहाँ पर टेम्परेचर ऑन अदर स्केल, लोअर फिक्स पॉइंट, अपर और लोअर फिक्स पॉइंट। तो ये फॉर्मूला नोट करें, कैसे यूज करना है अभी बताता हूँ, ठीक? एक बार ये फॉर्मूला नोट कर लें। ठीक है, जैसे सेल्सियस स्केल को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, टेम्परेचर सेल्सियस में, टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में, लोअर फिक्स पॉइंट 0 होता है, 100 माइनस 0, फ़ारेनहाइट में 32 होता है, 212 माइनस 32, रोमर स्केल में 80 और 0 होता है, और केल्विन में 273 373 और 273। तो यहाँ पर लोअर का मतलब आइस पॉइंट है और हायर का मतलब स्टीम पॉइंट है। तो इसको लिखना नहीं है, बस ये समझ में आना चाहिए जैसे इसको यूज कैसे करना है, ये इंपॉर्टेंट है। तो इसमें क्वेश्चन है, फॉल्टी थर्मोमीटर हैज इट फिक्स पॉइंट मार्क एट 5 एंड 95। तो एक खराब थर्मोमीटर है, फॉल्टी है, जिसका लोअर पॉइंट 5 है और हाईएस्ट पॉइंट 95 है। तो आइस पॉइंट और स्टीम पॉइंट दे दिया उसने। टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी एज मेजर्ड बाय फॉल्टी थर्मोमीटर इज 59। तो ये किसी भी बॉडी का टेम्परेचर 59 निकालता है। फाइंड करेक्ट टेम्परेचर बॉडी ऑन सेल्सियस स्केल पे, उसका इक्वल टेम्परेचर क्या होगा। तो आप अपना फॉर्मूला लिखें, आप डिग्री सेल्सियस के लिए लोअर पॉइंट क्या रखेंगे, आइस का 0 और स्टीम का 100, तो लोअर का 0 और टेम्परेचर सेल्सियस में निकालना है। फॉल्टी के लिए क्या करेंगे, फॉल्टी का लोअर कैप 5, हायर कैप 95, लोअर कैप 5, और फॉल्टी पे टेम्परेचर आ कितना रहा है, 59। 59 का आपको इक्विवेलेंट निकालना है कितना है सेल्सियस में, सॉल्व करके आंसर आएगा। तो मेथड समझ में आ रहा है यहाँ तक, कोई डाउट इसमें? तो कैसे कन्वर्जन की जा रही है, क्लियर है? तो ऑनलाइन क्लियर है? ठीक है, जैसे सपोज करो एट व्हाट टेम्परेचर, टेम्परेचर निकालना है, डू द रीडिंग ऑफ सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट स्केल्स कोइंसाइड। तो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट कब कोइंसाइड करते हैं, तो ये फॉर्मूला लिखें। सेल्सियस के अंदर क्या करेंगे, यहाँ पर 100 माइनस 0 करेंगे, और फ़ारेनहाइट के अंदर क्या करेंगे, 180 माइनस 0 करेंगे, मींस इनका डिफरेंस 180 होगा, सॉरी, क्योंकि हायर और लोअर के बीच में डिफरेंस 180 है और सेल्सियस में 100 होता है।
सेल्सियस का टेम्परेचर टी सी है और ये जीरो है, और फेरनहाइट में टी एफ है और ये 32 होता है लोअर पॉइंट। तो सॉल्व करके वो कह रहे हैं दोनों का टेम्परेचर सेम करना है, दोनों को एक्स और एक्स पुट करके सॉल्व करके आंसर -40 होगा। तो आपको एक तरीका बता रहा हूँ कि कैसे एक टेम्परेचर से दूसरे टेम्परेचर को कन्वर्ट करना है। यहाँ तक क्लियर है? तो आप प्लीज अपना कॉपी पेंसिल उठाएं, इस क्वेश्चन का आंसर दें क्या होगा। ये लो, तो देखो कैसे करेंगे। इसमें टेम्परेचर स्केल एक्स है, बॉइलिंग पॉइंट 65 एक्स है और फ्रीजिंग -15 है, तो लोअर दे दिया हायर दे दिया। इक्विवेलेंट टेम्परेचर कॉरस्पॉन्डिंग टू -95 क्या होगा, किसमें? फेरनहाइट में। तो क्या सिखाया था, इधर देखो प्लीज, फेरनहाइट में टेम्परेचर निकालना है, लोअर टेम्परेचर फेरनहाइट का 32 है, डिफरेंस 180 है, और नए इसके अंदर जो नया स्केल है उसमें लोअर कितना है -15 है, हायर कितना है 65 है, और टेम्परेचर जिसको कन्वर्ट करना है वो -95 है, -95 को टी में कन्वर्ट करना है, टी निकाल लेना आंसर। पॉइंट समझ में आ रहा है कि देखो हम इस टॉपिक को शायद पढ़ के भी ना जाते कि अनइम्पॉर्टेंट है, अब देख रहे हो टेम्परेचर के ऊपर ही क्वेश्चन पूछ लिया गया और कुछ भी नहीं, फॉर्मूला वेस्ट है। ठीक है यहां तक, नेक्स्ट क्वेश्चन। शायद इतना सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ग्राफ सा गिवन है, कुछ पी के टेम्परेचर की बात कर रहा है और क्यू के टेम्परेचर की बात कर रहा है। हाँ, ये पता लग रहा है कि डिफरेंस में 100 है, डिफरेंस में 150 है। मैं अगर क्वेश्चन को पढ़ूं, दो स्केल्स हैं पी एंड क्यू, और बिटवीन अपर फिक्स पॉइंट एंड लोअर फिक्स पॉइंट देर आर 150 इक्वल डिवीजन ऑफ स्केल पी, अपर और लोअर के बीच में जो डिफरेंस है वो 150 है। तो एक बात तो पक्की है, जहां पी चल रहा होगा उसके नीचे टेम्परेचर डिफरेंस अपर और लोअर का 150 आना चाहिए, ये तो हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, पी के नीचे 150, पी के नीचे 150 ये रहा, तो ध्यान मेरा यहाँ पे जा रहा है। और क्यू का जो डिफरेंस है
हायर और लोअर में वो 100 है, तो क्यू के नीचे क्या आना चाहिए, 100 आना चाहिए। तो क्यू के नीचे 100 है और पी के नीचे 150 आना चाहिए। अब क्यू जो है वो स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, जीरो से, तो लोअर फिक्स पॉइंट इसका जीरो है और टेम्परेचर डिफरेंस का 100 है, तो यानी कि यहाँ पर 100 आएगा। और टी क्यू माइनस लोअर फिक्स पॉइंट पर क्या लेंगे इसमें, जीरो। और पी के केस में हाईएस्ट पॉइंट कितना है इसका, 180, और 180 तो लोअर फिक्स पॉइंट क्या होना चाहिए, 30, ताकि डिफरेंस कितना होना चाहिए, 150। तो हर एंगल से, हिट एंड ट्रायल से आंसर बन तो डी रहे। समझ में आ रहा है यहां तक? अगर मैं कुछ भी ना पढ़ू ना तो डिफरेंस ही समझ में आ रहा है, हायर और लोअर में 150, हायर और लोअर में 100 होना चाहिए। तो डिनोमिनेटर में 150 से 100 तो आना ही चाहिए, पी के नीचे 150, क्यू के नीचे 100, आंसर आ गया डी। तो समझ में आ रहा है यहां तक कैसे सोचना है इसमें? ठीक है, ये क्वेश्चन ये रहा, फॉल्टी थर्मोमीटर वाली सेम शीट का क्वेश्चन डाल दिया वैल्यू चेंज करके, और क्या चाहिए, खजाना छुपा पड़ा है, बोलता रहा हूं किताब के अंदर, मानते नहीं हूं। फॉल्टी थर्मोमीटर भी करवाया मैंने, सेम क्वेश्चन है, बस वैल्यू थोड़ी सी डिफरेंट है। समझ में आ रहा है यहां तक? तो ये क्वेश्चन थे थर्मोमीटर के। तो आई होप अगर थर्मोमीटर आएगा तो हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व, आई होप आ ही जाए तो अच्छा है, तो इससे आसान क्वेश्चन है भी नहीं। ठीक है, यहां तक नेक्स्ट चलते हैं। ऑनलाइन क्लियर है ना? यस। नेक्स्ट है थर्मल एक्सपेंशन। देखो जो थर्मल एक्सपेंशन है ना, उसके अंदर ये बताया हुआ है कि चीजें एक्सपैंड होती हैं जब हम उन्हें हीट करते हैं। तो एक्सपेंशन तीन किस्म की होती है, एक जो एक्सपेंशन है वो लेंथ वाइज है, दूसरी जो एक्सपेंशन है वो एरिया वाइज है, और तीसरी एक्सपेंशन क्या है, वॉल्यूम वाइज है। तो लीनियर वाइज एक्सपेंशन को बोलते हैं लीनियर एक्सपेंशन, एरिया वाइज को बोलते हैं सुपरफिशियल एक्सपेंशन, एंड वॉल्यूम वाइज को बोलते हैं क्यूबिकल एक्सपेंशन। ठीक है यहाँ तक? नेक्स्ट है इसमें, अगर लीनियर एक्सपेंशन की बात करें तो ओरिजिनल लेंथ किसी भी रॉड की एल है और हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया बाय डेल्टा टी, तो नई लेंथ क्या हो जाएगी, एल डैश हो जाएगी। ये फॉर्मूला नोट करें, वेयर अल्फा इज नोन एज कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। ठीक, ये पहला फॉर्मूला है, एल डैश इज इक्वल टू एल इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी। ठीक है यहां तक? नेक्स्ट है, अगर एरिया इंक्रीज होता है, ओरिजिनल एरिया क्या है एस और नया एरिया क्या है एस डैश, तो एस डैश की वैल्यू क्या होगी, एस इंटू 1 प्लस बीटा इंटू डेल्टा टी, वेयर बीटा इज कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन। इसे नोट करें, अल्फा हो गया, बीटा हो गया, क्लियर है यहां तक? ठीक है, ऐसी वॉल्यूम, वॉल्यूम अगर वी है, नया वॉल्यूम वी डैश है, तो वी डैश इज वी इंटू 1 प्लस गामा इंटू डेल्टा टी। ठीक है यहां तक? कोई डाउट इसमें? तो वॉल्यूम भी क्लियर है यहां तक, तो लेंथ पता है, एरिया पता है और वॉल्यूम आ गया। नेक्स्ट है डेंसिटी, डेंसिटी का फॉर्मूला नोट करें, जो डेंसिटी है उसका फॉर्मूला है ये रहा, रो डैश इज रो 1 माइनस गामा इंटू डेल्टा टी। डेंसिटी कम होती है, देखो अगर वॉल्यूम बढ़ेगा, टेम्परेचर इंक्रीज करने से अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो मास तो सेम रहता है, डेंसिटी घटेगी। तो डेंसिटी की वैल्यू रो डैश रो इंटू 1 माइनस गामा इंटू डेल्टा टी, तो डेंसिटी की वैल्यू आ गई। तो एक लेंथ की आ गई, एक एरिया की आ गई, एक वॉल्यूम की आ गई, एक डेंसिटी की आ गई, और एक रेजिस्टेंस की भी आ गई, आर एट टी आर जीरो 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी प्लस 2 का टॉपिक है वो। तो ये पांच चीजें इकट्ठी चलती हैं, इनमें से कुछ भी आ सकता है, एक ही परिवार है ये। ठीक है यहाँ तक? नेक्स्ट है डेंसिटी का, ये फॉर्मूला भी लिख लें, डेंसिटी नई डेंसिटी इज ओरिजिनल डेंसिटी 1 अपॉन 1 प्लस गामा इंटू डेल्टा टी, क्योंकि ये फॉर्मूला आपको अप्रॉक्सीमेट रिजल्ट देगा, क्योंकि इसमें बाइनोमियल लगा के आंसर आया है, लेकिन ये फॉर्मूला आपको एग्जैक्ट रिजल्ट देगा जिसमें कि कोई बाइनोमियल में लगी नहीं हुई। बात एक ही है, ये करो आंसर सेम ही आएगा ऑलमोस्ट, इसलिए सेम आता है क्योंकि गामा की वैल्यू होती बहुत छोटी है, तो चल जाता है इसमें, कोई भी फॉर्मूला लगा लेना। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? कोई डाउट इसमें? ठीक है, नेक्स्ट है इसके अंदर, अगर मान लो क्वेश्चन में अल्फा गिवन हो लेकिन आपको गामा चाहिए,
तो फॉर्मूला नोट करें, अल्फा बाय वन इज बीटा बाय टू इज गामा बाय थ्री। ये फॉर्मूला नोट करें, अल्फा बाय वन इज बीटा बाय टू इज इक्वल टू गामा बाय थ्री। ठीक है, तो अगर अल्फा देगा गामा पूछेगा निकाल लेना, गामा देगा अल्फा पूछेगा निकाल लेना, बीटा देगा गामा चाहिए आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है किसी भी आइडल गैस का गामा कैसे निकलता है। नोट नहीं करना, सब एक चीज नोट करेंगे एंड में बताता हूँ क्या। पी वी इक्वल टू एन आर टी, अगर स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम डेल्टा वी, स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा टी, इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से डिवाइड कर दो तो आपके पास ये टर्म आ जाएगी। अब मुझे पता है कि डेल्टा वी की वैल्यू होती क्या है, हमने अभी किया, डेल्टा वी इज वी इंटू गामा इंटू डेल्टा टी डिवाइडेड बाय वी इज इक्वल टू डेल्टा टी डिवाइडेड बाय टी। डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल, तो यहां से आपके पास वी से वी कैंसिल, तो गामा की वैल्यू क्या आएगी, वन बाई टी। तो लिख लें किसी भी आइडल गैस के लिए गामा क्या होता है, वन अपॉन टेम्परेचर। फॉर एन आइडल गैस गामा इज इक्वल टू वन बाय टी। ठीक है, यहां तक कोई डाउट इसमें? नेक्स्ट है थर्मल एक्सपेंशन में, एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड्स का टॉपिक भी है। देखो एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड्स नॉर्मली जो मैंने देखा है, एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड्स पे क्वेश्चन आते ही नहीं है, मतलब कई साल से नहीं आ रहे, फिर भी आप इसको मेरी बुकलेट में से एक बार रिवाइज करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन ये वाला क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। पहले ये वाला क्वेश्चन कर लें प्लीज, आगे चलने से पहले ये क्वेश्चन कर लें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है, फिर एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड के बारे में बताता हूँ क्या करना है। क्वेश्चन है, क्लॉक विद एन आयरन पेंडुलम कीप्स करेक्ट टाइम एट 20 डिग्री सेल्सियस। ये आयरन का पेंडुलम है, एक पेंडुलम टू एंड फ्रो मूव कर रहा है, तो करेक्ट टाइम कब है जब उसका टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन बताओ वो कितना टाइम गेन करेगा या लूज करेगा अगर उसका टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस कर दे, टेम्परेचर बढ़ा दे। सिंपल और गामा आपको गिवन है, तो सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड का ये फॉर्मूला होता है। अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो उसकी लंबाई L इंक्रीज हो जाएगी, और अगर L इंक्रीज होगा तो उसका टाइम पीरियड भी बढ़ जाएगा। तो पेपर में आएगा अगर टाइम पीरियड बढ़ जाए किसी भी पेंडुलम का, तो वो गेन माना जाएगा कि लॉस, गेन हुआ कि लॉस, टाइम पीरियड बढ़ गया तो गेन नहीं माना जाएगा, लॉस है। क्यों? क्योंकि एक चक्कर अगर टाइम पीरियड पहले एक सेकेंड है, टाइम पीरियड बढ़ने का मतलब अब एक की जगह वो दो सेकेंड लगा रहा है मूव करने में, आपको लॉस हो रहा है, पूरा दिन स्लो चलेगी आपकी घड़ी, टाइम पीरियड बढ़ गया स्लो चलेगी, तो आपने लॉस मेंशन करना है, पक्का आएगा। और अगर टाइम अगर टेम्परेचर गिर गया, लेंथ गिर गई, तो टाइम पीरियड गिर गया, तो वही काम जल्दी जल्दी चलेगा, तो उसमें क्या होगा टाइम पीरियड में, गेन। ये पूछा जाएगा लॉस या गेन, तो याद रहेगा यहाँ तक। तो इसके अंदर आंसर, आधे आंसर तो यहीं से चेक हो जाते हैं, लॉस लिख रहे कि गेन लिख रहे, दो ऑप्शन तो पक्का एलिमिनेट हो जाएंगे, तो टाइम पीरियड बढ़ने से आपका लॉस माना जाएगा। तो कितना लॉस होगा पूरे दिन में ये निकालना है, कितना लॉस का मतलब डेल्टा टी की वैल्यू क्या होगी ये बताना है, चेंज ऑफ टाइम पीरियड कितना है। तो आप टाइम पीरियड का फॉर्मूला लिखें, एरर्स के चैप्टर का रूल लगाएं, एरर्स याद है रिलेटिव डेल्टा टी बाय टी, टू कांस्टेंट पाई कांस्टेंट, हाफ इनटू डेल्टा एल बाय एल, जी में तो कोई एरर होता नहीं है, तो हम एरर्स के रूल से फ्रैक्शनल चेंज इन टाइम पीरियड एंड फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ तो निकाल ही सकते हैं। अब डेल्टा एल की वैल्यू हमने किया हुआ है, जो एल डैश है एल इंटू वन प्लस एल्फा इंटू डेल्टा थीटा होगा, डेल्टा थीटा राइज इन टेम्परेचर, तो L डैश माइनस L डेल्टा L की वैल्यू आ गई, इस डेल्टा L को आपने यहाँ पे पुट कर देना है, L से L क्या हो गया कैंसल। अब प्रॉब्लम यह है कि मेरे क्वेश्चन में मेरे को वो गामा दे रहा है, लेकिन मुझे चाहिए क्या अल्फा, तो अल्फा को क्या पुट करेंगे, गामा बाय थ्री। डेल्टा थीटा कितना है, पहले टेम्परेचर पेंडुलम का 20 था अब 40 हो गया, तो चेंज कितना है 20, तो 20 पुट करके
ये डेल्टा टी बाई टी आ गया, वो डेल्टा टी पूछ रहा है कितना चेंज लॉस हुआ या गेन हुआ टाइम पीरियड में, कितना चेंज इन टाइम पीरियड हुआ पूरे दिन में, पूरे दिन का मतलब 24 आवर्स में, 24 × 3600 इतने सेकंड का लॉस माना जाएगा। तो समझ में आ रहा है कि क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है इसमें, ठीक है यहां तक? ठीक, तो नेक्स्ट लिख भी दिया हुआ मैंने इसमें, टेम्परेचर बढ़ेगा तो लेंथ बढ़ेगी, तो टाइम पीरियड बढ़ेगा तो लॉस है, टेम्परेचर कम होगा तो लेंथ कम होगी, टाइम पीरियड कम होगा तो गेन है, ठीक है? नेक्स्ट है, अगर दो रॉड्स हैं और दो रॉड्स को अगर आप ज्वाइन कर देते हैं, एक ही थर्मल एक्सपेंशन अल्फा वन है कि अल्फा टू है, ज्वाइन करने के बाद क्या हो गया, ये अल्फा अफेक्टिव हो गया, ज्वाइन करने के बाद अल्फा अफेक्टिव हो गया, तो अल्फा अफेक्टिव की वैल्यू क्या आएगी इन टर्म्स ऑफ अल्फा वन अल्फा टू, इसका स्टेट पे फॉर्मुला नोट करेंगे, प्रूफ नहीं करेंगे, तो आंसर ये आएगा L1 अल्फा वन प्लस L2 अल्फा टू डिवाइडेड बाय L1 प्लस L2, तो ये टर्म आएगी, ठीक है यहां तक? तो ये नोट कर लें, ठीक है यहां तक? कोई डाउट इसमें? तो अल्फा इफेक्टिव का फॉर्मूला नोट करें। नेक्स्ट है, देखो लिक्विड की एक्सपेंशन थोड़ी टफ है, तो जब आप पूरा चैप्टर कर लें तो लिक्विड की एक्सपेंशन सबसे एंड में करें प्लीज, क्योंकि इतनी देखो ये ना आपके कई घंटे खा जाएगी, कम से कम 1-1.5 घंटा खा जाएगी उसको समझने के लिए, और उसमें क्वेश्चन आएगा, आने की प्रोबेबिलिटी कम है, अगर आ भी जाएगा तो इतना ईजी नहीं माना जाता, क्योंकि दो दो टाइप दो एक्सपेंशन होती हैं लिक्विड की और सॉलिड की, ईजी नहीं मानी जाती, टाइम बचे एंड में तो एक नजर मार लेना, बस 2-3 क्वेश्चन इजी वाले नजर मार लेना, बहुत टफ मत करना, ठीक? तो अदरवाइज नॉर्मल आता नहीं है वैसे, पर फिर भी मैं आपको बता रहा हूं कि जस्ट रिस्क कवर करने के लिए आप ये तो टफ क्वेश्चन है, ये ना करें, ये करें, ऐसे क्वेश्चन आते हैं ज्यादातर, क्वेश्चन लेंथ के ऊपर ज्यादा आते हैं, लेंथ और वॉल्यूम के ऊपर, लिक्विड के ऊपर आते नहीं है वैसे, कम आते हैं। इसके अंदर दो रॉड्स हैं एल्युमिनियम और स्टील की, हैविंग इनिशियल लेंथ L1 एंड L2, दोनों को ज्वाइन किया, सिंगल रॉड बन गई L1 प्लस L2, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन फॉर एल्युमिनियम एंड स्टील इज α1 α2, तो दे आर इंक्रीज बाय सेम अमाउंट, तो डेल्टा एल दोनों का एग्जैक्टली सेम है, तो आप किसी रेशियो निकालनी है तो डेल्टा एल सेम कर दो, तो डेल्टा एल होता क्या है अल्फा इंटू L1 इंटू डेल्टा टी, α2 L2 डेल्टा टी सेम है, सेम अमाउंट से इंक्रीज कर रहे हैं, तो आपके पास इसकी रेशियो आ गई। आपको क्या निकालना है, आपको ये निकालना है ना, यानी आपको निकालना है L1 प्लस L2, एक काम करो इसको ना डिवाइड कर दो L1 के साथ, तो आपके पास ये रेशियो आ जाएगी, तो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को L1 से डिवाइड करेंगे तो ये रेशियो आएगी। अब इसमें L2 और L1 की रेशियो ऑलरेडी आपके पास है α1 बाई α2, तो ये टर्म आएगी, तो 1/1 प्लस यहाँ पर क्या आएगा α1 बाई α2, सिंप्लीफाई कर लो, आंसर मार्क कर लेना, ठीक? पॉइंट समझ में आ रहा है कि कैसे करना है इसमें, तो डेल्टा एल को इक्वेट करके L1 L2 के रेशियो से आंसर आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ α1 α2। ऐसे ये निकालना है रेशियो, L1 से डिवाइड कर दो दोनों को, तो 1 L2 बाय L1, L2 बाय L1 तो निकाल लिया ना, ये α1 बाय α2 पुट करके सिंपलीफाई कर लो आंसर, ठीक? नेक्स्ट इसके अंदर जैसे इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं,
देखो, व्हेन टेम्परेचर ऑफ रॉड इंक्रीजेस फ्रॉम टी टू टी प्लस डेल्टा टी, टेम्परेचर बढ़ गया रॉड का, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीजेस फ्रॉम आई टू आई प्लस डेल्टा आई, रेशियो निकालो डेल्टा आई आई की, आई का फॉर्मूला क्या होता है रॉड का, एम एल स्क्वायर बाई 12, हम रोटेशन में याद करेंगे भी, आप ऐसे ही काम चला लो, तो आपको क्या निकालना है डेल्टा आई बाई आई, एरर का रूल लगा दो, इसमें सारे क्वेश्चन में एरर के रूल लगते हैं, डेल्टा आई बाई आई मास और बारा दोनों कॉन्स्टेंट है तो 2 × डेल्टा L/L, तो डेल्टा एल की वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है, एल इंटू एल्फा इंटू डेल्टा टी, ये कुछ मत करो, ये कुछ नहीं है, तो एल से एल कैंसिल, सीधा आंसर आ जाएगा, ऐसा आंसर मिलेगा आपको इसमें। तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि कैसे इसमें रूल लगाना है, तो पहले एरर का रूल लगाओ, डेल्टा एल की वैल्यू पुट करो, आंसर ठीक। नेक्स्ट है स्पेसिफिक हीट। देखो जो स्पेसिफिक हीट है उसमें क्या बताया गया है, स्पेसिफिक हीट के अंदर ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले दो चार पॉइंट लिख लो इंपॉर्टेंट, ताकि आपको कंफ्यूजन ही ना हो कोई भी। तो वो क्या, देखो स्पेसिफिक हीट के अंदर आप कुछ ऐसे समझो, ठीक है, स्पेसिफिक हीट में, ठीक है, स्पेसिफिक हीट को सी से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल सी, स्पेसिफिक हीट को स्मॉल सी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है यहां तक। तो स्पेसिफिक हीट का रूल नंबर वन, कि अगर आपके पास कोई मास एम है और स्पेसिफिक हीट क्या उसकी सी है और राइजिंग टेम्परेचर क्या है डेल्टा टी है, तो आपने कितनी हीट दी ताकि इसका टेम्परेचर राइज कितना हो जाए डेल्टा टी, तो अमाउंट ऑफ हीट क्या होगा एम सी डेल्टा टी। कोई डाउट इसमें, यहां पे सी का मतलब स्पेसिफिक हीट है, इंपॉर्टेंट है। स्पेसिफिक हीट के यूनिट्स क्या बनेंगे क्यू बाई एम डेल्टा टी से, या तो बनेंगे जूल पर केजी पर केल्विन या पर डिग्री सेल्सियस, एक ही बात है, या फिर बनेंगे कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, एक ही बात है, जो मर्जी लगा लो, दोनों में से एक बनेंगे। ठीक, नंबर टू, नेक्स्ट टॉपिक है मोलर स्पेसिफिक हीट। जो मोलर स्पेसिफिक हीट है देखो उसका सिंबल बड़ा सी है, बड़ा सी है, छोटा सी नहीं, बड़ा सी है, छोटा सी सिंपल स्पेसिफिक हीट है। मोलर स्पेसिफिक हीट है कि अगर आपके पास नंबर ऑफ मोल्स हैं और आपने उनका टेम्परेचर डेल्टा टी इंक्रीज करवाना है, तो उसको मोलर स्पेसिफिक हीट यूज बोलते हैं। मोलर स्पेसिफिक हीट के जो यूनिट्स आपको इसमें मिलेंगे, या तो मिलेंगे जूल पर मोल पर डिग्री सेल्सियस, या फिर कैलोरी पर मोल पर डिग्री सेल्सियस, ये मिलेंगे। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक, कोई डाउट इसमें? अब देखना पड़ेगा, अगर तो पर मोल चल रहा है फिर तो बड़ा सी है, पर केजी या पर ग्राम चल रहा है तो वो छोटा सी है, स्पेसिफिक हीट है या मोलर स्पेसिफिक हीट है। नेक्स्ट फॉर्मूला, अगर आप कन्वर्ट करना चाहते हैं बड़े सी को छोटे सी में, तो ऐसे कन्वर्ट किया जाएगा। तो बड़ा सी मोलर स्पेसिफिक हीट इज कैपिटल एम इंटू स्पेसिफिक हीट, वेयर कैपिटल एम इज मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास होगा, ठीक है यहां तक। मटेरियल पे गिवन होती है तो क्वेश्चन में, क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? ठीक है, यहां तक भी क्लियर है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट रूल है, अगर आपके पास कोई बॉडी जिसका मास एम है, एम है तो छोटा सी सिंपल स्पेसिफिक हीट है, और आप राइज इन टेम्परेचर करवाना चाहते हैं डेल्टा टी, तो ये हीट अप्लाई करेंगे। लेकिन अगर आप स्टेट ऑफ मैटर चेंज करवाना चाहते हैं किसी भी बॉडी का, जैसे आइस को कन्वर्ट करना चाहते हैं वाटर में, तो आइस को हीट देनी पड़ेगी ताकि आइस पानी में कन्वर्ट हो जाए बिना टेम्परेचर के चेंज के, तो टेम्परेचर रिमेन सेम। तो ऐसे केस में आपको हीट क्या देनी पड़ेगी, एम इंटू एल, वेयर एल इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, तो एल एफ का मतलब लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है, तो इतनी हीट आपको देनी पड़ती है, क्यू इज इक्वल टू एम एल, ठीक, यहां तक क्लियर है। और उसी तरीके से अगर आप वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करना चाहते हैं, या स्टीम को वाटर में एट 100 डिग्री सेल्सियस,
तो कितनी हीट देनी पड़ती है, क्यू इज इक्वल टू एम एल। एम एल का मतलब ये क्या चीज है, दिस इज लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, ये आंसर है। या क्वेश्चन आएगा थर्मोमीटर पे, स्पेसिफिक हीट पे, थर्मल कंडक्टिविटी पे, इनमें से एक आएगा। फिर स्टीफन लॉ, न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग, वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ में से एक आएगा। मेंस में दो आएंगे इसमें से, थर्मो को छोड़ के थर्मोडायनेमिक्स में से एक आएगा। तो कुल मिला के पूरे इस हीट की फैमिली में से तीन आने हैं मेंस में, तो तभी तो उठाया ये। दो आने हैं प्रॉपर्टीज में से, तीन आने हैं थर्मो की, थर्मल कंडक्टिविटी, इनमें से पांच हो गए भाई। कहां मैं कराता रोटेशनल, मर जाता रोटेशनल कराता कराता, तब जाके एक क्वेश्चन आना था भाई। ध्यान से स्ट्रैटेजी देखो आप, जल्दी उठाना है। ऑसिलेशन वेव में से कम तीन क्वेश्चन आएंगे, कम से कम तीन, आठ क्वेश्चन यहीं से निकलते हैं प्लस वन के। हाँ तो कितने हो गए, गिनने आठ हो गए। यूनिट्स एंड डायमेंशन या एरर या एक्सपेरिमेंट में से एक कितना हो गया, नौ। प्रोजेक्टाइल वेक्टर, प्रोजेक्टाइल काइनेमेटिक्स में से एक कितना। लॉज ऑफ मोशन में फोर्स, फ्रिक्शन, सर्कुलर में से एक कितना, 11। फिर वर्क एनर्जी पर कोलिजन, सेंटर ऑफ मास में से एक कितना, और फिर रोटेशनल वाले में से पक्का एक कितना, 13। ग्रेविटेशन में से एक कितना, बस ठीक है फिर हो तो गया 14, आधा कर दिया। कैसे SHMV में से गिना दिया, तीन कर दिया मैंने, तीन दो कर दिए, दो कर दिए मैंने, बता रहा हूँ मैं तेरे को। देखो थोड़ा बहुत 1921 हो सकता है, प्लस माइनस हो सकते हैं एक दो नंबर। और अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि मैंने लॉज ऑफ मोशन से क्यों नहीं उठाया, फोर्स, फ्रिक्शन, सर्कुलर में से एक बोल रहा हूँ मेंस में। नीट में तो फिर भी तीन तीन आ जाते हैं हर टॉपिक में से। आप देखो ना एफर्ट कितना है उसमें, पूरी फोर्स 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 कर करा के हफ्ता पूरा करने के बाद, वर्क पार में एनर्जी कंजर्वेशन करने के बाद एक क्वेश्चन आना है उसमें से। अब देखो क्या स्मूथ है, इसे न्यूमेरिकल दिखाऊं, इससे आसान न्यूमेरिकल कोई नहीं है। पूरी एनर्जी वॉल्यूम टू पे लगा दो, और वॉल्यूम वन में से पता क्या उठाना, जब वॉल्यूम वन करोगे पहला टॉपिक उठाना वॉल्यूम वन से यूनिट्स एंड डायमेंशन, फिर उठाना एरर्स, एक दो चार घंटे में तैयार एक क्वेश्चन पक्का, ठीक। फिर अगला चैप्टर उठाना आप से उसका सेंटर ऑफ मास, एक क्वेश्चन आना ही सेंटर ऑफ मास का पक्का, और आसान आता है सेंटर ऑफ मास, जल्दी भी कवर होता है। अब सिलेक्टेड सिलेक्टेड पोर्शंस पहले सबसे एंड में उठानी चाहिए फोर्स एंड फ्रिक्शन, पर अनफॉर्चुनेटली उसके बिना फिजिक्स नहीं चल सकती, तो मेरे को थोड़ा बहुत फोर्स एंड फ्रिक्शन तो करवाना पड़ेगा। तो इतना तो करवा दूंगा कि चलो काम चलेगा, बट इतनी हाई एनर्जी नहीं लगाऊंगा जैसे प्लस वन में लगी एक महीना लगा था, वो नहीं, वो बेस बनाने के काम आता है। तो इस तरीके से करेंगे पुराने पेपर, वो फोर्स फ्रिक्शन तुम खुद भी कर सकते हो। ये भूला होता है सारा, ये पता ही नहीं यार, बड़ा सी छोटा सी किसको याद है, मेरे को नहीं लगता किसी को याद है। थर्मल कंडक्टिविटी किसे याद है, किसी को याद नहीं है। यहाँ पे मैक्सिमम एनर्जी लगानी चाहिए आपको, और क्योंकि शुरुआती चैप्टर्स हैं तो इस पे चैप्टर बहुत बच्चा सीरियस होके भी करता है, तो पहले वॉल्यूम टू सीरियसली हो जाएगा ना तो एकदम वैसे ही क्लियर हो जाएगा, ठीक। मैं तो इसी का बिलीवर हूँ।
तो यहां तक क्लियर हो गया। लेटेंट हीट की वैल्यू आपको ना क्वेश्चन में गिवन होती है, तो आपको इस क्वेश्चन के अंदर जैसे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन वैसे अगर ना गिवन हो वाटर की, तो वो 80 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस होती है, और वेपोराइजेशन की 540 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस होती है। नोट कर लें, अगर तो गिवन है फिर क्वेश्चन की यूज करेंगे, नहीं गिवन अपनी यूज करेंगे। ठीक, स्पेसिफिक हीट स्मॉल 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस होती है वाटर की, नोट कर लें, गिवन नहीं होती, आपको याद करनी होती है यूनिट्स के साथ, 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। या फिर स्पेसिफिक हीट की वैल्यू इसको जूल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, 4.2 जूल्स, और ग्राम को केजी में, केजी ऐसे, तो आंसर आएगा 4200 जूल्स पर केजी पर डिग्री, कोई भी यूज कर देना, 1 या 4200 एक ही बात है, एक ही बात है इसमें। ठीक है यहां तक, ठीक पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहां तक, कोई डाउट इसमें? नेक्स्ट टेस्ट में जैसे स्पेसिफिक हीट में मैंने आपको बता दिया, ये कुछ देखने की जरूरत नहीं आपको इसमें, ये सारा कुछ हो गया। इसके अंदर आपको ये देखना है, सिर्फ एक एग्जांपल है इसमें, ये एग्जांपल है, आपके पास एक आइस है जिसका टेम्परेचर -150 है, उसको आपको स्टीम बनाना है 150 पे, तो कितनी हीट देनी पड़ेगी? तो पहले आइस -150 से जीरो आइस बनेगी, तो फॉर्मूला क्या लगेगा? एमसी डेल्टा टी, डेल्टा टी में बड़े टेम्परेचर में से छोटे को माइनस कर दो, फिर आई जीरो से वाटर बनेगा जीरो पे, तो क्या बनेगा? क्यू इज इक्वल टू एम एल, वेर एम एल इज लेटेंट हीट ऑफ, एल इज फ्यूजन। नेक्स्ट है फिर वाटर गर्म होकर 100 डिग्री सेल्सियस वाटर में, तो एमसी डेल्टा थीटा फॉर वाटर, जब टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो एम एल, और सॉरी एमसी डेल्टा टी, जब स्टेट ऑफ मैटर चेंज हो रही है तो एम एल। नेक्स्ट है वाटर स्टीम में कन्वर्ट हो रहा है, तो क्यू इज इक्वल टू एम एल लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, स्टेट ऑफ मैटर चेंज हो रहा है, टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है, और जब स्टीम बन रही है तो एमसी डेल्टा थीटा, तो जब टेम्परेचर चेंज होगा तो एमसी डेल्टा थीटा, जब स्टेट ऑफ मैटर चेंज होगी तो क्यू इज इक्वल टू एम एल। क्या ये मेथड क्लियर है यहां तक? कोई डाउट इसमें? ठीक, इसका ग्राफ प्लॉट करने को आ सकता है ऐसा ग्राफ। इस ग्राफ में आइस -20 डिग्री सेल्सियस पे आइस है और कन्वर्ट होके स्टीम बनेगी 120 पे, तो रूल नंबर 1 इसमें क्या होगा? पहले आइस -20 से 0 पे बनेगी आइस, और फिर आइस 0 से पानी बनेगा आइस, तो चेक करो जो हम हीट दे रहे हैं वो तो ले रही है ये आइस, लेकिन टेम्परेचर रिमेन्स 0, जब स्टेट ऑफ मैटर चेंज होती है टेम्परेचर रिमेन्स सेम, फिर 0 डिग्री सेल्सियस वाटर, 0 डिग्री सेल्सियस 100 डिग्री सेल्सियस पानी में कन्वर्ट हो रही है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, फिर स्टीम बन रही है, जब स्टीम है स्टेट ऑफ मैटर चेंज हो रहा है टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, तो ये फ्लैट ग्राफ होता है, इसका मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट है। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? कोई डाउट इसमें? ठीक, जैसे ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को पढ़ें, तो क्वेश्चन है, एक स्फेयर है और स्फेयर किसका है? एल्यूमिनियम का स्फेयर है, इस प्लेस फॉर सफिशिएंट टाइम इन अ वेसल कंटेनिंग बॉइलिंग वाटर। अब इस क्वेश्चन के अंदर एक एल्यूमिनियम का स्फेयर है
और उसको गर्म पानी में डाल दिया तो इसका टेम्परेचर कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस। इसको गर्म गर्म को डाल दिया कैलोरी मीटर में, और जिसमें पानी पड़ा हुआ है 20 पे, तो ये कॉपर का कैलोरी मीटर है, अंदर वाटर पड़ा हुआ है, दोनों का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है। जब आप गर्म एल्यूमिनियम को पानी में डालेंगे तो पानी और कैलोरी मीटर का टेम्परेचर बढ़ेगा और एल्यूमिनियम का टेम्परेचर घटेगा, और क्या स्टेडी स्टेट आ जाएगी, इक्विलिब्रियम पॉइंट आ जाएगा, और टेम्परेचर कितना हो जाएगा दोनों का, 23। तो टेम्परेचर कितना हो गया 23, यानी कि एल्यूमिनियम का टेम्परेचर 100 से कितना हो गया 23, और कॉपर और वाटर का टेम्परेचर 20 से कितना हो गया 23। तो वाटर और कॉपर ने हीट को गेन किया, एल्यूमिनियम ने हीट को लूज किया। तो प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री क्या कहता है, हीट लॉस्ट इज इक्वल टू हीट गेन्ड। तो इसमें रूल ये लगेगा कि हीट लॉस्ट बाय एल्यूमिनियम स्फीयर इज इक्वल टू हीट गेन्ड बाय कॉपर कैलोरीमीटर प्लस वाटर। तो आप हीट लॉस कैसे निकालेंगे एल्यूमिनियम का, मास ऑफ एल्यूमिनियम, स्पेसिफिक हीट ऑफ एल्यूमिनियम इनटू चेंज ऑफ टेम्परेचर, और कॉपर के लिए मास ऑफ कॉपर, स्पेसिफिक हीट ऑफ कॉपर और इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, वाटर के लिए मास ऑफ वाटर, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो यहां से जो वैल्यू पूछी होगी वो निकाल लेना, मैं तो मेथड बता रहा हूं कि किस तरीके से हीट गेन और हीट लॉस का कॉन्सेप्ट को यूज करना है। ठीक ठीक है, तो देख लेते हैं फिर क्वेश्चन ये रहा। तो थर्मोमीटर्स अभी हम कर रहे थे, थर्मोमीटर करने के बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है। बढ़िया क्वेश्चन डाला, देखो इसका आंसर क्या होगा। करता हूं, देखो क्वेश्चन है कि हीट ऑफ 184 किलो जूल इज गिवन टू आइस, और जिसका मास 600 ग्राम आइस है, आइस बहुत ठंडी है, -12 डिग्री सेल्सियस पे, स्पेसिफिक हीट आपको आइस की गिवन है, छोटा सी है क्योंकि जूल पर केजी है, और लेटेंट हीट एल भी आपको पता है फ्यूजन की क्या है आइस की। आपको निकालना है फाइनल टेम्परेचर क्या होगा सिस्टम का, फाइनल टेम्परेचर ऑफ सिस्टम विल बी ग्रेटर देन 0 डिग्री सेल्सियस होगा, फाइनल सिस्टम विल हैव मिक्सचर ऑफ आइस एंड वाटर होगा। देखो देखना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। अब वो अगर ये चीज़ें पूछ रहा है कि फाइनली आइस और वाटर बन रहे हैं, इसका मतलब उसको डाउट है कि मेरी एनर्जी सफिशियंट नहीं है कि पूरे के पूरे आइस को पानी में कन्वर्ट कर दे। तो कैसे चेक होगा, आप पहले ये देखें कि आपने हीट दी कितनी, आपने हीट इतनी दी थी, पहला पॉइंट जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ उसको देखना है, आपने हीट इतनी दी। आइस का टेम्परेचर कितना है, -12 है,
सबसे पहले आइस माइनस 12 से किसमें बनेगी, जीरो पे, स्टेट ऑफ मैटर चेंज नहीं हुई, तो कितनी हीट चाहिए होगी, एम सी डेल्टा टी। 600 ग्राम आइस है, स्पेसिफिक हीट हमें पता है, चेंज इन टेम्परेचर 12, तो इतनी हीट चाहिए आइस को कि वो क्या बन जाए, जीरो डिग्री सेल्सियस पे। आइस अभी पिघली नहीं है, अभी जीरो डिग्री सेल्सियस पे आई है। अब एक बात तो पक्की है, जो मैंने एनर्जी दी, मैंने तो ज्यादा एनर्जी दी है, मैंने दी है 184,000 जूल दी है, मैंने इतनी एनर्जी दी है, और उसको जीरो डिग्री सेल्सियस आइस में बनाने के लिए इतनी चाहिए। अब जो एक्स्ट्रा एनर्जी है उससे आइस पिघलनी स्टार्ट हो जाएगी, मैंने ज्यादा एनर्जी दे दी उससे आइस पिघलेगी, यानी आइस तो पिघलेगी, पक्की बात है, ठीक है। तो आइस कितनी को पिघलने के लिए 600 ग्राम आइस, पूरी की पूरी आइस अगर पिघले तो क्यू इज इक्वल टू एम एल, एम इंटू एल लगाओगे तो इतनी हीट चाहिए पूरी की पूरी पिघलने के लिए। अब मैंने एनर्जी एक्स्ट्रा मेरे पास कितनी है, मेरे पास माइनस करके एक्स्ट्रा एनर्जी है 167,999.44, ये एनर्जी है। कैसे एनर्जी है, क्योंकि इतनी एनर्जी मेरे पास थी, इतनी एनर्जी से आई जीरो डिग्री सेल्सियस पे आ जाएगी, इससे वो पिघलेगी, तो मेरे पास इतनी एनर्जी है जिससे कि आइस पिघल सकती है, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये है, मेरे पास इतनी एनर्जी है जिससे आइस पिघलेगी, पूरी की पूरी आइस पिघलाने के लिए ml एनर्जी इतनी चाहिए, तो मेरी एनर्जी थोड़ी है, तो एक बात तो पक्की है, पूरी की पूरी आइस मेल्ट नहीं होगी, नहीं होगी। तो कितनी मेल्ट होगी, एक काम करते हैं, ये जो एनर्जी है इस एनर्जी से ml लगा दो, m डैश l, तो इससे m डैश आ जाएगा, इतना मास क्या हो गया इसका, मेल्ट हो गया। तो फिर बचा कितना आइस, कितनी बच गई, इतनी आइस बच गई। तो रेशियो निकालनी है आइस का मास और कितना पानी बन गया, तो 1:5, आंसर 1:5 आएगा। तो आपको ये मास पता लग गया, कितना मास जो है मेल्ट हुआ, तो कितना बचा वो भी पता लग गया, अमाउंट ऑफ वाटर पता लग गया, एम डैश इतनी पिघलेगी और इतनी बचेगी माइनस करके, तो रेशियो निकाल लेना। अच्छा क्वेश्चन है, चेक करना पड़ेगा पूरी आइस पिघलेगी या नहीं पिघलेगी। लॉजिक समझ में आ रहा है यहाँ तक, ऑनलाइन क्लियर है? यस सर। इसमें देखो, देखो इस क्वेश्चन में एक क्यूब है, सरफेस एरिया टोटल पता है 24 है, आप यहां से लेंथ ऑफ क्यूब तो निकाल सकते हो, एल आ जाएगा, 6L² होता है सरफेस एरिया, 24 है तो एल आ गया। अब वो कह रहे हैं अगर टेम्परेचर को बढ़ा दिया जाए, डेल्टा टी पता है, तो वॉल्यूम में इंक्रीज क्या होगा, डेल्टा वी निकालना है। तो अब क्या करेंगे आप, इसमें सबसे पहले 6L² को 24 फुट करके एल निकाल लेंगे, लेंथ आ गई तो वॉल्यूम आ गया एल क्यूब, तो डेल्टा वी क्या होता है, वी इंटू गामा इंटू डेल्टा टी, डेल्टा टी पता है, गामा पता है और वी पता है, आंसर। बात सरफेस एरिया की करता है, पूछता वॉल्यूम है, तो सरफेस एरिया से पहले लेंथ आएगी, लेंथ से वॉल्यूम आएगा, वॉल्यूम से डेल्टा वी आएगा। तो ये स्टेप समझ में आ रहा है कि कैसे सोचना है इसमें, ठीक है, यहां तक क्लियर है, मेथड समझ में आ रहा है। इसी तरीके से मिलता जुलता क्वेश्चन ये रहा, क्या आंसर मार्क करेंगे, ईच साइड ऑफ बॉक्स एक क्यूब है, फिर से साइड ए है, टेम्परेचर टी है, एल्फा आपको गिवन है, टेम्परेचर बढ़ा दिया, इंक्रीज इन वॉल्यूम निकाल दो। भाई इंक्रीज इन वॉल्यूम तो सीधा फॉर्मूला ही है, वी इंटू गामा इंटू डेल्टा टी। प्रॉब्लम ये कि अपने को एल्फा गिवन है, अपने को गामा चाहिए, तो गामा क्या होता है,
थ्री अल्फा आंसर, और वॉल्यूम की जगह ए क्यूब। ठीक है यहां तक? नेक्स्ट,
क्या आंसर है? 25, कितना? 4 है, 4, ठीक है। क्या लॉजिक लगाया इसमें? लॉजिक ये है, लेंथ पता है, एरिया पता है, डेल्टा टी पता है, कंप्रेसिव टेंशन फोर्स निकालनी है इसमें, क्या होगी फोर्स निकालनी है, और यंग्स मॉडुलस भी पता है और अल्फा भी पता है। तो यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला लगा लो, फोर्स बाय एरिया, डेल्टा एल बाय एल। प्रॉब्लम यह कि डेल्टा एल नहीं पता, कोई बात नहीं, फोर्स लेंथ एरिया, डेल्टा एल की जगह पुट करो एल इंटू एल्फा इंटू डेल्टा टी, एल से एल कैंसल। अब सारा कुछ पता है और फोर्स की वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड। क्लियर है यहां तक? कोई डाउट इसमें? नेक्स्ट है फॉल्टी थर्मोमीटर, हो गया ये रख। तीन सौ देखो, एक ना वाटर हीटर है जिसकी पावर गिवन है, इतनी बिजली लेगा, स्पेसिफिक हीट आपको सी पता है पानी की, एफिशिएंसी हीटर की सिर्फ 70% है, तो 2000 तो पानी गर्म करने में लगेगा नहीं, इसका 70% आपने कैलकुलेट कर लेना है, जो कि कितना आएगा 1400 वाट। तो इससे पानी गर्म होगा, तो पावर को अगर मैं टाइम से मल्टीप्लाई कर दूँ, टाइम से, तो क्या आ गई? एनर्जी। इतनी एनर्जी वाटर को मिलेगी और वाटर का टेम्परेचर एम सी डेल्टा टी राइज हो जाएगा। आपको मास ऑफ वाटर पता है, स्पेसिफिक हीट पता है और राइज इन टेम्परेचर पता है, यहां से टाइम की वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड। तो जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी उसे एम सी डेल्टा टी से आंसर आ जाएगा। ठीक है यहां तक? कोई डाउट इसमें? नेक्स्ट है, नेक्स्ट से पहले वापस चलते हैं इसमें। टॉपिक है ट्रांसफर ऑफ हीट। देखो एक परिवार है, थर्मल कंडक्टिविटी, ट्रांसफर ऑफ हीट, ये सब एक ही फैमिली है। इसमें से दो क्वेश्चन आने हैं, एक आने अदर केटीजी में से दूसरा आएगा, थर्मो में से तीसरा आएगा। तो या तो स्पेसिफिक हीट पे आएगा, या थर्मोमीटर पे आएगा, या फिर ट्रांसफर ऑफ हीट पे आएगा, थर्मल कंडक्टिविटी पे आएगा, तो इन में से एक क्वेश्चन आना ही आना है। ठीक है, तो ट्रांसफर ऑफ हीट में हीट को ट्रांसफर किया जा सकता है तीन तरीके से, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। कंडक्शन में एटम बाय एटम जाता है सॉलिड में, जो मेथड है वो कंडक्शन है हीट को ट्रांसफर करने का। कन्वेक्शन में विंड चलती है, कोई हवा या कोई भी पानी गर्म होता है, ठंडे मॉलिक्यूल गर्म होते हैं, वो ऊपर जाते हैं, ठंडे मॉलिक्यूल जगा लेते हैं और ऐसे रोटेशन होती है, कन्वेक्शन। रेडिएशन में कोई भी गर्म बॉडी द सोर्स ऑफ रेडिएशन, से एक बोलते हैं, से इंफ्रारेड रेज निकलती हैं, वो रेडिएशन है। तो अगर हम बात करते हैं कंडक्शन की, तो कंडक्शन के अंदर लिखो फॉर्मूला। पहला फॉर्मूला कंडक्शन का, ठीक, तो फॉर्मूला किसका? थर्मल कंडक्टिविटी का, थर्मल कंडक्टिविटी का, थर्मल कंडक्टिविटी के। सपोज करो आपके पास कोई भी एक बॉडी है, ठीक, सॉलिड बॉडी है, इस फेस का टेम्परेचर हाई है T1 है, इस फेस का टेम्परेचर लो है T2 है, इसके अंदर इसका जो एरिया है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, वो A है, और स्मॉल T टाइम के लिए हीट ट्रेवल कर रही है फ्रॉम हायर टू लोअर टेम्परेचर, और ये जो हीट का फॉर्मूला जो ट्रांसफर होगी, के ए टेम्परेचर का डिफरेंस इनटू टाइम डिवाइडेड बाय
ये डिस्टेंस एक्स है, तो ये फॉर्मूला नंबर वन नोट करें, वेयर के इज कोफिशियंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी। तो ये बताता है के, ये बताता है गुड कंडक्टर और कितना गुड कंडक्टर है, बहुत हाई वैल्यू ऑफ के का मतलब हीट बहुत ज्यादा ट्रांसफर होने वाली है। पहला फॉर्मूला, दूसरा फॉर्मूला इसमें कि क्यू की जो वैल्यू है उसको नीचे टाइम से डिवाइड कर दो, टाइम से के ए टेम्परेचर डिफरेंस को डेल्टा टी लिख लेते हैं बाय एक्स। तो ये क्या आ गया, इसको बोलते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, या कभी कभी इसको बोलते हैं हीट करंट, हीट करंट, हीट करंट या रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट। ठीक है यहाँ तक तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट ठीक है। तो इसके अंदर नेक्स्ट पॉइंट है कि जो हीट करंट है ना, हीट करंट है उसको ऐसे लिखते हैं, हीट करंट इज डेल्टा टी डिवाइडेड बाय एक्स डिवाइडेड बाय के ए। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी भी हम क्या करते थे, इलेक्ट्रिक करंट इज पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। उसी तरीके से इसमें हीट करंट, हीट करंट इज टेम्परेचर डिफरेंस डिवाइडेड बाय थर्मल रेजिस्टेंस। तो थर्मल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला नोट करें, थर्मल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला नोट करें, एक्स डिवाइडेड बाय के टाइम्स ए, एक्स अपॉन के ए। नेक्स्ट फॉर्मूला, ठीक है यहां तक कोई डाउट इसमें, तो समझ में आ रहा है यहां तक। नेक्स्ट है इसके अंदर थर्मल कंडक्टिविटी, ये सब हो गया, कुछ नहीं करना आपने इसमें। नेक्स्ट हम इसमें थर्मल कंडक्टिविटी में नेक्स्ट फॉर्मूला नोट करते हैं या क्वेश्चन करते हैं। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि अगर मान लो ये 100 है और ये 0 डिग्री सेल्सियस है, तो एक स्टीम है, एक आइस है, दो रॉड्स ले ली जिसकी लेंथ सेम है, एक की थर्मल कंडक्टिविटी डिफरेंट है, एक की थर्मल कंडक्टिविटी डिफरेंट है, तो हीट मूव करेगी फ्रॉम हायर टू लोअर टेम्परेचर। तो याद रखना हीट फ्लोइंग पर सेकेंड, यानी कि क्यू बाई टी की वैल्यू क्या रहेगी इन दोनों में, सेम, क्योंकि रॉड अगर सीरीज में है तो हीट फ्लोइंग पर सेकेंड सेम रहेगी। तो आपको बताना है कि इस इंटरफेस का टेम्परेचर क्या होगा टी। तो रूल नंबर वन, इनमें टेम्परेचर डिफरेंस कितना होगा 100 माइनस टी, और इनमें टेम्परेचर डिफरेंस कितना होगा टी माइनस जीरो, 100 माइनस टी, टी माइनस जीरो, ठीक कुछ ऐसा होगा। तो इसके अंदर स्टेडी स्टेट है, तो ए के अंदर जो हीट फ्लोइंग पर सेकेंड है के ए टेम्परेचर डिफरेंस बाय एक्स, दूसरे के अंदर बी के अंदर सेम करके यहां से टी की वैल्यू कैन बी, तो लॉजिक बता रहा हूं कि Q बाई टी की रेशियो को इक्वल कर दो, ठीक है यहां तक। और टेम्परेचर डिफरेंस बता दिया मैंने 100 माइनस टी, टी माइनस जीरो। अब जैसे इसके अंदर अगर दो रॉड सीरीज में है, तो एक की थर्मल कंडक्टिविटी K1 है, एक में K2, और अगर आप एक रॉड लगाना चाहते हो ताकि इक्वलेंट थर्मल कंडक्टिविटी निकाली जाए, तो ये फॉर्मुला नोट करो, सीरीज में 2 बाई के एस, के एस का मतलब थर्मल कंडक्टिविटी सीरीज में, 1 बाई के 1 प्लस 1 बाई के 2, ये फॉर्मुला नोट करें।
ठीक, तो सीधा मार्क करेंगे, ठीक है। और अगर पैरेलल में क्वेश्चन आ जाए तो नोट करें, पैरेलल में के वन प्लस के टू बाई टू, पैरेलल में के वन प्लस के टू बाई टू, ठीक है यहां तक कोई डाउट इसमें? नेक्स्ट, कन्वेक्शन में कुछ नहीं आता। और लास्ट, न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग। आज के लेक्चर में न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग पक्का आएगा, नीट में सब में आया हुआ है, तो ये क्वेश्चन जो मैं आज करवाऊंगा ये 100% आएगा, ऐसा मतलब बहुत चांस है अगर न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग आया तो ऐसा आएगा। न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग में ये बताया गया है कि रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट, पहला फॉर्मूला नोट करें, रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट इसको बोलते हैं रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट, लॉस का मतलब नेगेटिव है रेट, माइनस डी क्यू बाई डी टी इज प्रपोर्शनल टू टेम्परेचर ऑफ बॉडी माइनस टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग सराउंडिंग। तो रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट ये रहा। और सबसे इंपॉर्टेंट, इसको रेट ऑफ कूलिंग भी बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार वो ये देता है टर्म रेट ऑफ कूलिंग आर, तो रेट ऑफ कूलिंग यानी कि माइनस डी क्यू बाई डी टी, डी क्यू बाई डी टी को रेट ऑफ कूलिंग बोलते हैं, ठीक है, लिख लेना डी क्यू बाई डी टी रेट ऑफ कूलिंग है। तो ये पहला फॉर्मूला इसका, दूसरा फॉर्मूला, दूसरा फॉर्मूला इसको सॉल्व करके, करना नहीं है इसको सॉल्व करके ये आंसर आएगा, ये इसका दूसरा फॉर्मूला है। लेकिन इंपॉर्टेंट है, इस फॉर्मूले में ये रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर है, टेम्परेचर हीट नहीं है, टेम्परेचर है, डी टी बाई डी टी की वैल्यू है, रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। ठीक है यहां तक? तो इस फॉर्मूले के बेस पे ये क्वेश्चन आएगा, डी टी का मतलब चेंज ऑफ टेम्परेचर, डी टी का मतलब टाइम, टी बॉडी का टेम्परेचर, अगर एक चाय का कप 80 से 60 पे आ गया डिग्री सेल्सियस तो बॉडी का टेम्परेचर 80 लेंगे 60 लें एवरेज लेंगे, तो 80 प्लस 60 बाई 2, और सराउंडिंग का टेम्परेचर, जैसे किसी बॉडी का टेम्परेचर 60 से 40 आ गया 7 मिनट में, तो बताओ कितना टेम्परेचर हुआ अगले 7 मिनट में। तो पहले न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग इस पर लगाते हैं, जिसमें 60 माइनस 40 को 7 मिनट से डिवाइड किया, चेंज ऑफ टेम्परेचर 60 माइनस 40 है, टाइम 7 मिनट है, एवरेज टेम्परेचर 60 प्लस 40 बाई 2 है, और सराउंडिंग का टेम्परेचर 10 है। उसी तरीके से अगले 7 मिनट में 40 माइनस टी है, टेम्परेचर टाइम इसमें 7 मिनट है, एवरेज टेम्परेचर 40 प्लस टी बाई 2 है और माइनस 10 है, डिवाइड करके आंसर आ जाएगा। बहुत आया हुआ है पेपर में।